हेलो गाइस, आज मैं आई हूँ फ्लाइंग सीजर में मेरा फेशियल करने के लिए और ये मेरा पहले का लुक है। आफ्टर अभी हम देखेंगे। तो मैं फर्स्ट मिल्क क्लेंजर से स्टार्ट कर रही हूँ। सो मिल्क क्लेंजर हम लोग इसके लिए यूज करेंगे ताकि जो सुपरफिशियल जितना भी डर्ट है उसको वो रिमूव करे। ठीक है, जैसे थोड़ा सा प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो चुका है तो फिर मैं अभी थोड़ा सा पानी लूंगी और पानी से वापस क्लेंजिंग करना स्टार्ट करूंगी। वो डीप क्लेंजर है। सो डीप क्लेंजर हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कि उसमें जो भी, जैसे अगर आपके फेस के ऊपर आपको रेसिड्यू है या फिर जैसे ग्रीस है तो वो दिख रहा है, तो उसको हम लोग इनर पोर से क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। तो उसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं डीप क्लेंजर, जो आपकी स्किन को डीपली क्लेंज करेगा। आपको इसको तब तक क्लेंज करना है जब तक ये बहुत अच्छे से लादर फॉर्म होता है। थर्ड नंबर जो है, ये जो है इसको हम लोग स्क्रब बोलते हैं। तो ये जो स्क्रब है ये शुगर ग्रैनुलेटेड स्क्रब है। तो मतलब क्या है कि ये जो शुगर स्क्रब है, जब तक आप स्किन पर लगाओगे तो मोस्टली आपको पानी में हाथ डीप करने से पहले आपको जितना भी एक्सफोलिएशन पार्ट है वो खत्म करके लेना है ताकि स्किन जो है वो अच्छे से एक्सफोलिएट हो जाए। ठीक है, और जैसे ही अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्टीम के साथ देना चाहते हो या फिर मैन्युअली बाद में स्टीम देकर खत्म करना चाहते हो, डिपेंड्स एज पर यू। ठीक है, सो पहले आपको ये स्क्रब लेना है। स्क्रब लेके पहले आपको प्लेस कर देना है स्किन के ऊपर और जब आप ये देखोगे तो आपको इसके जो ग्रैन्यूल्स है वो शुगर ग्रैन्यूल्स है। तो जैसे ही आप उसे यूज करते जाओगे तो ये क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। पर जब तक आप पानी में हाथ डिप नहीं कर रहे हो तब तक ये जो है वो मेल्ट नहीं होगा। जब आप पानी में हाथ डालोगे और जब पानी के हाथ से इसे एक्सफोलिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। स्प्रेड करने के बाद फिर सबसे पहले आपको क्या है, हल्के हाथों से क्या करना है, स्किन को एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन कितने टाइम तक होना चाहिए, 2 से 3 मिनट या फिर 3 से 4 मिनट, डिपेंड स्किन के ऊपर। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन के ऊपर आपको 2 से 3 मिनट करना है। अगर आपको लगता है कि स्किन ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप 4 से 5 मिनट भी कर सकते हो। तो पहले आपको जब तक ये ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है स्किन के ऊपर तब तक आपको क्या करना है, अच्छे से स्किन को एक्सफोलिएट कर लेना है। सो यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली हमारा टैन बहुत ज्यादा होता है, नोज के यहाँ पे डेड स्किन बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे अगर ये क्लाइंट को मैंने हाथ लगाया तो उनकी डेड स्किन जो है वो बहुत ज्यादा है नोज एरिया के यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो माउथ एरिया है यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सफोलिएट करना है ताकि जो डेड स्किन है वो इजिली रिमूव हो जाए, प्लस जो उनका टैन है वो भी लाइटन हो जाए।
अभी ये जो फोर्थ स्टेप है इसको हम लोग कहते हैं टोनर, ठीक है। सो टोनर बेसिकली क्या करता है, जैसे कि अभी हमने एक्सफोलिएशन किया है तो आपके स्किन का पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें क्या हो जाते हैं, जैसे आपने क्लेंजिंग पार्ट किया, जैसे आपने एक्सट्रैक्शन किया है, सो एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपके जो पोर्स है वो ओपन हो जाते हैं, राइट। सो पोर्स ओपन हो जाने के बाद उसको श्रिंक करने के लिए और स्किन का पीएच जो है वो मेंटेन करने के लिए, वापस बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टोनर यूज करेंगे। फिफ्थ नंबर जिसको हम लोग कहते हैं सीरम, ठीक है। सो सीरम बेसिकली क्या होता है कि जब आप सीरम लगाते हैं तो सीरम जो है वो आपके कंसर्न एरियाज पे काम करता है। सो व्हाट इज इट बेसिकली कंसर्न एरियाज, सो कंसर्न एरियाज जैसे आपको पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, सो ये क्या करता है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। और ये जो सीरम है ये बहुत फाइन टेक्सचर है, नहीं तो कोई कोई सीरम अगर आपने देखे होंगे तो वो कैसे होते हैं, बहुत थिक मीडियम में होते हैं, राइट। सो ये जो फेशियल हम लोग कर रहे हैं, सो इसको हम लोग एक हिसाब से बोलते हैं कोरियन टेक्नोलॉजी। सो कोरियन टेक्नोलॉजी में कैसे होता है कि बेसिकली क्या करते हैं, जब भी फेशियल रहता है तो आपको स्किन के ऊपर कैसे होता है, ग्लास शाइनी लाइक यू नो फिनिशिंग दिखता है, तो एंटायर फेशियल जो है वो फिनिश हो जाने के बाद फिर आपको भी आपके स्किन के ऊपर क्या होता है, थोड़ा सा ग्लॉसी और शाइनी मिल जाता है। नाउ सिक्स नंबर जो है ये है मसाज क्रीम। सो मसाज क्रीम किसके लिए लगाते हैं, बेसिकली जब आप मसाज करते हो तो उससे क्या होता है, क्लाइंट को रिलैक्सेशन फील होता है, देन उसके बाद आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, राइट। तो मसाज का जो हम लोगों को बेनिफिट होता है वो ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना और क्लाइंट को रिलैक्स करना। नंबर सेवन ब्राइटनिंग मास्क। सो ब्राइटनिंग मास्क लगाने के बाद ये बेसिकली आपकी स्किन को क्या करेगा, ब्राइटन अप करने का काम करेगा, ओके। सो आपको इसको लगा के मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स रखना है, फिर आपको उसको इमल्सिफाई करके निकाल देना है, देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे सेकेंड मास्क विच इज कॉल्ड दी पील ऑफ मास्क। स्टेप नंबर एट, तो इसको हम लोग कहते हैं पील ऑफ मास्क। तो पील ऑफ मास्क इज बेसिकली फॉर ब्राइटनिंग एंड टाइटनिंग योर स्किन।
फेशियल हो चुका है तो आपको CTM फॉलो करना बहुत जरूरी है। अभी CTM क्या होता है, C मतलब क्लेंजर, T मतलब टोनर और M मतलब मॉइस्चराइजर। तो मॉर्निंग में जैसे आप उठते हो तो जैसे कि अगर आपकी फेस में देख रही हो तो आपकी स्किन इतनी ऑयली नहीं है, सो आप दिन में दो बार फेस वॉश कर सकते हो, सो एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग रूटीन में। ओके, सो जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो आपको क्लेंजिंग करने के बाद अगर आप टोनर भी स्किप करते हो दैट इज ओके, ठीक है, बट आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। स्क्रीन से क्या होगा ना, जैसे अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो या जो भी जा रहे हो तो वैसे क्या होगा कि उससे जो आपकी नेचुरल स्किन है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा। सो जो सुपरफिशियल स्किन है जैसे उसकी जो लेयर है आपके स्किन के ऊपर, सो उतना एरिया सुपरफिशियली टैन हो जाएगा, बट जैसे आप घर पे आते हो फेस वॉश करते हो तो नेचुरली जो आपकी ग्लोइंग स्किन है आपको वही मिलेगी। इसके लिए आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है कि जैसे आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स, एजिंग में भी डिले होता है, इसके लिए डेली रूटीन में अगर आप घर पे भी हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप बाहर जा रहे हो तो लगाना ही लगाना है आपको, और मॉइस्चराइजर आपको स्किप नहीं करना है, बिकॉज मॉइस्चराइजर से क्या होता है, मॉइस्चराइजर से आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेटेड हो जाती है, प्लम्पी हो जाती है, इवन दो आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट सफल हो रही है, बट अगर आप उसको डेली रूटीन में यूज कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिखेंगे स्किन के ऊपर, बट आप जैसे कि अगर आज लगाया कल नहीं लगाया फिर ऐसे स्किप कर रहे हो, सो यू माइट नॉट गेट अ रिजल्ट ऑन योर फेस, ठीक है। हाय मैम, कैसी लगी हमारी सर्विस? आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा लगा मुझे, फ्रेश माइंड एकदम हो गया था। कैसे रिजल्ट सर? जैसे पहले स्किन थी उससे बहुत अच्छी हो गई स्किन। आप भी प्लीज जरूर आना, बहुत अच्छी सर्विस है आपकी।